है महिला खिलाड़ी का परिवार। ट्वीट के बाद भी पुलिस में नहीं की कोई कार्रवाई, तो बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से बता रहे हैं। खाना पूर्ति के नाम पर कल ले थी तहरीर, अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। कार्रवाई ना होने तक पूरा परिवार घर में कैद रहेगा, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ने खुद को पूरे परिवार के साथ घर में कैद कर लिया है, बड़ी खबर आगरा से है। ये ट्वीट के बाद भी पुलिस इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता ममता। तो ममता, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या कुछ पूरा मामला है। जी प्रिया, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये पूरा मामला आगरा के थाना सिकंदरा के बाईपुर इलाके का है, जहां एक टाई कमांडो की जो खिलाड़ी है उसने पिछले दो दिन पहले एक वीडियो वायरल किया था सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर। तो उसके जरिए उसने ये गुहार लगाई थी शासन प्रशासन से कि अपने मेडल को बेचने की भी बात कही कि मेरे मेडल बेचना है जिससे कि कुछ पैसा आए, जिससे कि मैं इन पुलिस वालों पे एक आरोप लगाते हुए कहा कि जिससे कि मैं पुलिस पे पैसा दे के अपनी जो कार्रवाई है मेरे साथ जो हुई है, मेरे गांव के ही कुछ लोग हैं जो छेड़खान करते हैं, उसको रहने नहीं देते गांव के अंदर, उसकी परिवार की जो जमीन को भी कब्जा लिया है, जिसके जमीन के कब्जाने से उसका जो प्रैक्टिस का जो दौर है वो रुक गया है पैसों के अभाव में। इस वजह से उन्होंने ये एक वीडियो वायरल करके ये गुहार लगाई थी कि कोई मेरे मेडल खरीद ले, जिसके बाद मैं इन मेडलों से जो पैसा आएगा वो पुलिस को दे करके अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाऊं। जी ममता, क्या लगता है